स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास टेंथ है, सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ाएंगे और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो है आप तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास टेंथ में जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था, पाचन, मनुष्य में पाचन की क्रियाविधि पढ़ाई थी कि उसमें भोजन का पाचन कैसे होता है। तो पाचन क्रियाविधि तो पूरी पढ़ा दी थी, लेकिन पेपर वगैरह में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पाया जाता है इसके कार्य क्या होते हैं। और जो ग्रहणी होती है, ग्रहणी में एक तरफ जो है लीवर लगा होता है, दूसरी तरफ अग्न्याशय लगा होता है, उससे लीवर से ही लगी एक संरचना होती है, पित्ताशय होती है, तो पित्ताशय से पित्तरस स्रावित होते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है और पित्तरस के कार्य क्या होते हैं, तो हम ये जानेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं, सबसे पहले आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो आमाशय में जो HCl पाया जाता है, आमाशय में जो जठर ग्रंथियां होती हैं, आमाशय को जठर भी बोलते हैं, तो आमाशय की जो जठर ग्रंथियां होती हैं, तो वो जठर ग्रंथियों से जो है पाचक एंजाइम स्रावित होता है और HCl स्रावित होता है। तो पाचक एंजाइम जो होते हैं वो HCl की उपस्थिति में ही सक्रिय होते हैं। तो अब HCl का कार्य क्या क्या है देखते हैं। तो यह भोजन के माध्यम को अम्ली बनाता है, जैसा कि HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो उसका स्वभाव अम्ली है। तो जब ये इसका स्वभाव अम्ली है, तो अम्ली होने के कारण ये भोजन के माध्यम को अम्ली बना देगा। तो जब ये अम्ली बना देगा, तो अम्ली क्योंकि जो आमाशय में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो केवल अम्लीय माध्यम में ही सक्रिय होंगे। अगर माध्यम अम्ली नहीं होगा तो आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम सक्रिय नहीं होंगे। इसीलिए सबसे पहले इसका काम होता है भोजन के माध्यम को अम्ली बना दे। तो ये भोजन के माध्यम को अम्ली बना देता है। फिर दूसरा है, यह हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। दूसरा क्या कारण है इसका, यह हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। अब जैसे हमने भोजन के टुकड़े को मुंह में डाला, तो मुंह में डालने पर जो लार का जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो ये नष्ट तो कर देता है, लेकिन होता क्या है इसमें कि ये इसमें भी कुछ जीवाणु बच जाते हैं जो नष्ट नहीं हो पाते हैं। तो उनका जो निष्क्रियकरण है वो HCl एंजाइम के द्वारा होता है। तो इसलिए HCl का जो होता है वो HCl का कार्य भी यही होता है कि ये हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ठीक, फिर इसका तीसरा कार्य है, यह निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय कर देता है। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि जब ये भोजन के माध्यम को अम्ली बना देता है, तो अम्ली माध्यम में ही आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। तो इसलिए यह निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है। ये हो गया इसका तीसरा कार्य। फिर चौथा कार्य है, यह भोजन को सड़ने से बचाता है, क्योंकि ये अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो अम्ल के वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ऊपर दूसरे पॉइंट बताया गया है कि यह हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो जब हानिकारक बैक्टीरिया अगर नष्ट हो गए हैं, अब तो भोजन को सड़ाएगा कौन, तो ये भोजन को सड़ने से बचा देता है। ठीक, तो HCl का चौथा कार्य हो गया, यह भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक, फिर क्योंकि हम भोजन को मुख में डालते हैं, तो मुख में लार होती है, तो लार सहित भोजन हमारा ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। तो जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसका अंतिम कार्य, मतलब जो पांचवा कार्य है, अंतिम नहीं कि बहुत से कार्य होते हैं, लेकिन हम इसमें आपको पांच ही कार्य बता रहे हैं, क्योंकि हाई स्कूल के लेवल पर मोस्टली पाँच वर्ग ही सफिशेंट है। तो देखते हैं, यह लार के प्रभाव को समाप्त करता है, मतलब जो HCl होता है ये लार के प्रभाव को समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार से जो HCl है उसके ये कुछ मुख्य कार्य। ठीक, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं अपने बुक पर। अब अगला आता है पित्त रस एवं इसके कार्य, पित्त रस एवं इसके कार्य। तो सबसे पहले तो बात ये है कि पित्त रस होता क्या है, कहाँ बनता है
और कहाँ इकट्ठा होता है? सबसे प्रश्न तो यही उठते हैं कि पित्तरस कहाँ बनता है। तो सबसे पहली बात, जो पित्तरस होता है, पित्तरस जो होता है वो हमारे यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत अर्थात लीवर में बनता है, यकृत में बनता है। पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में बनता है, ठीक, यकृत में बनता है। और पित्तरस इकट्ठा कहाँ होता है? तो पित्तरस जो होता है वो पित्ताशय, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, पित्ताशय में एकत्र होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, जैसे इसमें लिखा हुआ है पित्तरस, दिमाग में तुरंत आ रहा है पित्ताशय बनता होगा, लेकिन गलत। पित्तरस जो होता है वो पित्ताशय में नहीं बनता, पित्तरस बनता तो यकृत में है लेकिन इकट्ठा पित्ताशय में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ दिया गया है कि पित्तरस का निर्माण कहाँ हो गया है, तो लड़के मोस्टली ऑप्शन लगा देते हैं पित्ताशय। तो पित्ताशय इसका रॉन्ग आंसर होता है, इसका राइट आंसर होता है यकृत। मतलब पित्तरस जो बनता है वो कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। और इकट्ठा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में इकट्ठा होता है, ठीक। फिर उसके बाद पित्तरस में होता क्या क्या है, पित्तरस में क्या क्या पाया जाता है? तो पित्तरस में 92% H2O, 92% जल होता है। पित्तरस में 92% जल होता है, 6% पित्त लवण होते हैं, 0.3% पित्तरंगा होते हैं। अब पित्तरंगा कौन होता है? तो पित्तरंगा जो होता है, पित्तरंगा का नाम होता है बाइलीरुबिन, बाइलीरुबिन व बाइलीवर्डी। जो पित्तरंगा होता है वो बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डीन होता है। तो पित्तरस में क्या क्या होता है? 92% H2O, 6% पित्त लवण और 0.3% पित्तरंगा होता है। और पित्तरंगा किस रूप में, पित्तरंगा में क्या होता है? बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डीन होता है। और इसमें कुछ पित्त अम्ल पाए जाते हैं, पित्त अम्ल पाए जाते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्तरस में जो होता है कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। अब देखिए, जब इसमें कोई पाचक एंजाइम पाया नहीं जाता है तो फिर ये भोजन को पचाता कैसे? तो इसके लिए हम आपको बता दें कि इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है और ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। ये जो होता है भोजन को पचाने में सहायता करता है। अब ये सहायता कैसे करता है? तो ये पित्तरस क्या होता है कि जो पित्ताशय है, पित्ताशय से पित्तरस स्रावित होता है और पित्तरस स्रावित होकर ग्रहणी में आता है, ठीक। उधर से जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस स्रावित होता है और ग्रहणी में आता है। अब अग्न्याशयी रस जो होता है, अग्न्याशयी रस में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। जैसे कल हमने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में हमको बता चुके हैं कि जब हमने अग्न्याशय रस के पाचक एंजाइमों का वर्णन किया था तो उसमें सभी एंजाइम हमने बताए थे। तो जो अग्न्याशय से पाचक एंजाइम स्रावित होकर ग्रहणी में आते हैं तो वो एंजाइम को सक्रिय करने का काम, उन एंजाइमों को सक्रिय करने का काम पित्तरस का होता है। अगर ये पित्तरस नहीं होगा तो जो अग्न्याशय के पाचक एंजाइम हैं वो सक्रिय नहीं होंगे। तो इस प्रकार से जो पित्तरस होता है वो पाचन में अहम भूमिका निभाता है, ठीक। और पित्तरस जो होता है वो पीले रंग का होता है, ठीक। पित्तरस जो होता है वो पीले रंग का होता है और इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। यह केवल अग्न्याशय के पाचक एंजाइमों को सक्रिय करता है। और इसका स्वभाव जो होता है वो पित्तरस जो होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। ये क्षारीय होता है, पित्तरस जो होता है वो क्षारीय होता है। क्षारीय होने के कारण से यहाँ पर भोजन का जो पाचन शुरू होता है वो क्षारीय माध्यम में शुरू होता है।
आमाशय में कैसा था, अम्लीय माध्यम। अब यहां से ग्रहणी में भोजन का पाचन कैसे शुरू हो जाएगा, क्षारीय माध्यम। तो क्षारीय माध्यम में भोजन का पाचन शुरू होता है। अब इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बहुत से इंपॉर्टेंट वर्ग है, बहुत से कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, उन कार्यों को पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए इसको नोट कर लेना, इसलिए इसको नोट कर लेना किसके क्या कार्य हैं। तो हम बता देते हैं आपको, इसको समझा देते हैं कि पहला वर्ग है जो पित्त लवण होते हैं। पित्त लवण वसा का एनालिसीकरण करते हैं जिससे वसा का पाचन सुगम हो जाता है। पहला वर्ग क्या है, पित्त लवण वसा का एमल्सीकरण करते हैं जिससे वसा का पाचन सुगम हो जाता है, जिससे वसा का पाचन सुगम हो जाता है। अब ये प्रश्न उठता है इमल्सीकरण क्या होता है। जैसे पान का हमें पता दिखाई दे रहा है कि पित्त लवण वसा का एमल्सीकरण करते हैं जिससे वसा का पाचन सुगम हो जाता है, तो ये इमल्सीकरण होता क्या है। इमल्सीकरण का मतलब होता है कि जो वसा है, फैट है, उसको और भी महीन टुकड़ों में तोड़ देना, मतलब उसको सरल अवयव में तोड़ देना, बहुत से सरल अवयव में तोड़ देना, वसीयम और विसरल मतलब जो इसके सरल अवयव है उसमें तोड़ देना, तो इस प्रकार से ये वसा का एमल्सीकरण कर देता है। ठीक, अब क्या है दूसरा वर्ग है, यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। जैसा कि हम एससीएल में भी देख चुके हैं कि जो एससीएल भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो आमाशय होता है, ये हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। देखिए तीन जगह नष्ट हुए, सबसे पहले तो मुख में जो लार थी, लार का जो लाइसोजाइम एंजाइम था उसने भी बैक्टीरिया को नष्ट किया। फिर भोजन आमाशय में जब पहुंचा तो आमाशय का जो एससीएल था उस एससीएल ने भी हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट किया। अब यहां से भी अगर हानिकारक बैक्टीरिया बच गए नष्ट होने से, तो पित्तरस जो होता है, ये पित्तरस जो होता है भोजन में ऊपर से हानिकारक बैक्टीरिया को भी नष्ट कर सकता है। ठीक, तो ये इस प्रकार से दूसरा वर्ग किसका हो गया कि ये भोजन में ऊपर से हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ठीक, फिर तीसरा होता है, यह भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। जैसा हम बता ही चुके हैं आपको कि इसका एक वर्ग ये है, ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, और इससे क्षारीय बनाने से जो होता है अग्न्याशय के जो एंजाइम होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि जो अग्न्याशय के एंजाइम होते हैं वो केवल क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय होते हैं। ठीक, और इसका इम्पोर्टेंट वर्क ये है कि ये जो पित्त है वो विटामिन, हमारे शरीर में विटामिन आती हैं, विटामिन कौन कौन सी, ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो जो विटामिन होती है तो विटामिन के अवशोषण के लिए सहायक होते हैं। अगर ये पित्तरस जो पित्तरस नहीं होगा तो इन विटामिनों का अवशोषण होने में बाधा उत्पन्न होगी, जटिलता आएगी। तो ये पित्तरस क्या करता है, विटामिन ए, डी और ई और के, इनका अवशोषण आसानी से कर सकता है। इसको आप अपने नोटबुक पर नोट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, पढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।